माता बुलाए तो आए। जय माता दी, जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज रेडी हो गए हैं हम सुबह, अभी बज रहे हैं 7:30 और आज हम रेडी हुए हैं माता आशापुरी के लिए। माता आशापुरी हम जा रहे हैं, तो आज हम दिखाएंगे कि माता आशापुरी का मंदिर कहाँ कैसे है, और उसके बाद एक और प्लान है पालमपुर जाने का, जो कि माता संतोषी के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे माता संतोषी के लिए होता है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। देखते हैं कैसे रहता है सफ़र। चलिए हमारे साथ आपको भी सफ़र कराते हैं। हाँ जी बाबू जी, कहाँ के लिए रेडी हो? हम जा रहे हैं आज टूर। कौन सा टूर? माता आशापुरी, फिर हम संतोषी माता के जाएंगे, फिर हम घर आएंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ मम्मी हो गए हैं रेडी, और ये हमारे फादर जी, ये भी रेडी हैं। से हाय ऐसे, हाय ऐसे। तो जी पहुंच चुके हैं माता आशापुरी के दरबार। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग पे अब ये सीधा चढ़ाई है यहाँ पे, और चढ़ाई के बाद सीधा दर्शन होंगे माता आशापुरी के। ठीक है जी, चलो जी पौड़ियाँ स्टार्ट हो गई। जय हो। हाँ चलो, तो यहाँ से चढ़ाई है अब सारी। तो जी ये हैं वादियाँ। चलो चलो, चढ़ते चढ़ते ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर हम ले रहे हैं सामान माता के मंदिर के लिए, प्रसाद वगैरह, झंडी प्रसाद और जो भी देखा जाएगा। स्माइल, क्यूट सी बच्ची। हाँ, ये आप क्या लेके जा रहे हो? अभी हमने ले ली माता का प्रसाद और झंडी। पधारी क्या होता है? फैमिली में कोई नया मेंबर आता है, तो उस मेंबर को हमारे जो देवी को देखता है उनके पास दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं। ओके, वो रहा मंदिर। चलो जी, हाथ पैर धोने के बाद अब चले हैं फाइनली माता के दर्शन के लिए, और मंदिर के अंदर जाते हैं। चलो जी, पहुंच गए हैं मंदिर के आंगन में। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बिकॉज ये है काफ़ी पुराना मंदिर, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे दर्शन करने के बाद। अंदर वीडियो अलाउड नहीं होगी, इसलिए दर्शन करने के बाद इसके बारे में जानकारी देते हैं। बढ़िया, दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ खड़े हैं, और इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको दर्शन करने के बाद। शांति शांत एरिया ना, और ये कितनी हाइट पे है देखो, यहाँ पे हाइट अगर देखी जाए तो ऐसे है। यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, काफी पुराना मंदिर है ये, और ये देखिए इसकी हिस्ट्री। चलो जी, बढ़िया दर्शन होने के बाद अब हम वापसी जा रहे हैं, लेकिन वापसी जाने से पहले हम खा रहे हैं खाना यहाँ पे, क्योंकि हम घर से लेके आए हैं ब्रेकफास्ट, तो यहीं पे बैठ के खाएंगे।
और कोई लोकेशन मिली नहीं, तो यहाँ पे बैठ के मज़े से खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे वापसी। दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं साथ में ही माता वैष्णो देवी की गुफा है, और उस गुफा में हम जा रहे हैं। ये आशापुरी से जस्ट 1.5 किलोमीटर के आगे ये गुफा पड़ती है, माता वैष्णो देवी की गुफा। बड़ा जी, गुफा में आने के बाद ये है गुफा का मेन फेस, जहाँ से एंट्री करनी है। तो आपको दिखाते हैं कैसे है ये माता की गुफा, और यहाँ से ऐसे एंट्री है। चलो ध्यान से जाना, माइंड योर हेड। वैसे तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी ध्यान से जाना पड़ता है। तो यहाँ नहीं जाना है बाबू जी, हाँ यही जाना है, यहाँ से ये जाना है ऊपर। चलो जी, है तो डेंजर काम, ये चढ़ना है। यहाँ भी पैर रख सकते हो पीछे, ध्यान से चढ़ना है हूँ नीचे, ठीक है। हाँ जाओ बोल साचे दरबार की जय। हाँ लग जाते है, कोई चक्कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जाना है बिल्कुल। नहीं घबराते नहीं है, आराम से, बड़े आराम से माता का नाम लो। मैं आ जाऊंगा, मेरी टेंशन नहीं, आराम से। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। जाओ आराम से जाओ, रुक जाओ ना नीचे लेट के। जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलो आराम से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो जो सच्चे मन से जाते हैं वो यूं पार हो जाते हैं। मैं भी जाऊंगा अब। चलो जी अब मेरी बारी है, जय माता दी, 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 जय लो, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, लो जी पहुंच गए हैं माता आशापुरी के दर्शन करने के बाद, माता संतोषी की मंदिर जो कि पड़ता है पालमपुर घुग्गर में, और ये लोग भी आ गए हैं माता का प्रसाद लेके। चलो चलते हैं अंदर, हाथ पैर धो के दर्शन करते हैं। बढ़िया
तो जी बढ़िया दर्शन होने के बाद अब चले हैं वापसी घर की ओर, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।